राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए शांति हवन का आयोजन किया गया। आगरा कैंट स्थित मुस्तफा क्वार्टर में किए गए शांति हवन में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व क्षेत्रीय लोग भी शामिल हुए। शांति हवन के बाद लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने मुलायम सिंह यादव के जीवन संघर्षों को याद करते हुए उन्हें समाजवादी आंदोलन और समाजवादी का बड़ा पुरोधार करा दिया। हम कभी जाते तो दूर से पहचान लिया जाता था, कहाँ आइए तुम याद नहीं, आप जैसे हमें मुलाकात नाम से रखते एक बार देख लिया, इसको पहचानने तो कभी हम कहीं नहीं, दूर से ही पहचान लेते थे, कहीं भी खड़े हो कोई भी। किस तरह का आप लोगों ने रखा जाता है? शांति हवन का काम के उसने प्रसाद वितरण किया, बहुत भाई को भंडारा हुए, केवल ओनली प्रसाद वितरण। किस तरह से याद करते हैं नेताजी का संघर्ष रहे, जीवन रहा उनका? उनकी कार चली जितनी तारीफ किया उतनी की, उन्होंने संघर्ष किया उसके ज़्यादा, हम हमेशा उनके साथ रहे और अब तक करते चले, आगे भी करें। किस तरह कार्यक्रम किया नेताजी का? आज जो श्रद्धांजलि को देने का काम हमने हवन द्वारा किया है और साथ ही क्षेत्र में सभी को प्रसाद के रूप में पूरी और सब्जी बांटने का, गरीब लोगों को भोजन कराने का भी काम दिया है। क्या कहना चाहेंगे जो नेताजी का संघर्ष रहा, आप लोग कई वर्षों से जुड़े रहे, किस तरह से याद करते हैं? नेताजी ने हमेशा गरीब मजदूरों की बात करी है। नेताजी खेत खलिहानों से उठकर एक इतिहास बनाया है। नेताजी ने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, राष्ट्र का नेता कहा जाता है उन्हें, और हम लोग बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके उनकी पार्टी में हम काम करते हैं। निश्चित हम नेताजी से, नेताजी के आज जो हवन कराया उस पर संकल्प लेंगे कि नेताजी जैसे कुछ गुण अपने अंदर लेंगे और जो है अत्याचार और जुल्मी के खिलाफ हम हमेशा आवाज़ उठाना और आवाज़ को बुलंद करना, ये समाजवादियों की पहचान है।